कुमार साहब, आपने अपनी पूरी जायदाद का हिसाब कर दिया है। अपने बेटे शांतनु के नाम सारी इंडस्ट्रीज और अपनी बेटी मालती को सारे चैरिटीज का ट्रस्टी बना दिया है। अब बस सिर्फ इस घर का फैसला करना है। यह आलिशान घर आप किसके नाम करना चाहेंगे? वैसे इस घर के साथ आपकी काफी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं। प्रकाश, तुम जानते हो यह घर मेरी पहली कमाई का तोहफा था जो मैंने अपने आप को दिया। मैंने अपने बच्चों को यहां बड़ा होते देखा है, बहुत यादें जुड़ी हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे बाद ये घर वैसा का वैसा ही रखा जाए। वैसे मेरे बाद क्या होगा ये मुझे पता नहीं। अब तक तो मैंने ये भी फैसला नहीं किया है कि किसके नाम करूं। अगर मालती के नाम करता हूं तो शांतनु और मेरी बहू नाराज होते हैं, और अगर शांतनु के नाम करता हूं तो सालों पड़े हैं ये सब डिसाइड करने के लिए। अच्छा, तो मैं चलता हूं। मैं आपके सारे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के पेपर्स जल्दी तैयार करवा के भिजवा दूंगा। ठीक। कुमार साहब, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। हाँ, कहिए। ट्रस्ट को छोड़कर आपने अपनी बेटी और पोती के नाम कुछ भी नहीं रखा है। मेरा मतलब है कि सुनिधि के पापा भी नहीं है। शायद उनको अगर ये सब I'm sorry, कुमार साहब, लगता है मैं जरूरत से ज्यादा ही बोल गया। नहीं नहीं प्रकाश, तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं बहुत डरता हूं, अपने बेटे के गुस्से से बहुत डरता हूं। वैसे शांतनु बहुत अच्छा लड़का है, पर उसे जब गुस्सा आता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और वैसे भी मेरे मरने के बाद अगर उसे लगा कि ये घर भी उसे मिलना चाहिए तो वो मालती को क्यों? आई एम सॉरी प्रकाश, मैंने इतनी देर इतनी रात तुम्हें तकलीफ दी। ओह, कितना वक्त हो गया है। वैसे कब तक हैं आप यहां और मुंबई कब पहुंच रहे हैं? मुंबई? अब तो बस मैं यहीं मरना चाहता हूं। मेरा मतलब है बाकी की जिंदगी मैं यहीं गुजारना चाहता हूं। ठीक है कुमार साहब, चलता हूं। थैंक यू वेरी मच, मैं पेपर्स जल्दी भिजवा दूंगा। चंदर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत देर हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। चंदर, तुम ये कैसे हो सकता? Oh!
कुमार साहब, आपको बस आराम करने की सख्त जरूरत है और आपको जो चाहिए वो आपके साथ है। आपका ये पूरा परिवार हर वक्त इनके साथ, किसी ना किसी का होना बहुत जरूरी है। आप कहें तो इनके लिए मैं एक नर्स का इंतजाम करूं? इसकी कोई जरूरत नहीं, हम इन्हें जल्द से जल्द मुंबई वापस ले जाएंगे। वहां उनकी देखभाल ठीक से हो पाएगी और वैसे भी यहां दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा है इतने सालों बाद इन्हें यहां आने की जरूरत क्या थी। मुझे लगता है पापा को यही रहना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है चंद्र, अटैक से थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि ये यहीं रुकना चाहते हैं। और तुम तो जानती हो कि इस घर से इन्हें कितना लगाव है। पर यहाँ, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ ना हॉस्पिटल है ना कुछ, हमें एक नर्स रख लेनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं पापा का पूरा ख्याल रखूंगी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ऐसी हालत में इनका यहाँ रहना ठीक होगा? ये मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? खुद कुमार साहब ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। इनके लेफ्ट हैंड की उंगलियों में थोड़ी सी जान है। इसका मतलब पापा अपने दिल की बात हमसे कह सकते हैं? पापा, पापा, अगर आप यहाँ रहना चाहते तो दो उंगली उठाइए, और अगर वापस जाना चाहते तो एक उंगली उठाइए। हो गया फैसला, कुमार साहब यहीं रहना चाहते हैं, अब बाकी का आप सब पर है। ठीक है, अगर पापा यहां रहना चाहते हैं यही से। पापा कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छा हुआ हम लोग यहीं रुक गए, ये जगह भी कितनी सुंदर है, शहर की धूल धड़ाके से दूर। माँ बेटी दोनों बुड्ढे के पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं और हम यहाँ फंस गए हैं। शांतनु सुनो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं और अब यहाँ रहने नहीं वाली हूँ, समझे? बहुत हो चुका है, तुम कुछ ऐसा करो कि हम यहाँ से निकल सकें, समझ रहे हो कि नहीं? आप रहो ना और पापा चले जाओ, मैं तो यही रहूंगा, प्लीज। चुप कर, बड़ा आया हीरो। दादाजी की हालत देखी तूने? वो कभी भी किसी भी समय टपक सकते हैं, और अगर हम लोग यहाँ से चले गए ना तो जो सारी की सारी जायदाद है ना, दादाजी बुआ के नाम कर देंगे और हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, बस एक बार ये पुराना घर मेरे नाम हो जाए, फिर जिसे जहाँ जाना है जाए। पर पापा, जब दादाजी ने बाकी सब आपके नाम कर दिया तो आपको ये पुराना सा घर क्यों चाहिए? तुम समझ रहे हो बेटे, ये पुराना घर नहीं है, पैसों की गड्डी है, पैसों की गड्डी। पापा के ऊपर जाते ही मैं इस घर को तुड़वा कर यहाँ एक आलिशान 7-स्टार होटल बनवाऊंगा, और उसके बाद हमारे घर में पानी कम और पैसा ज्यादा बहेगा। यार पापा, दादा हमें कब टाटा बाय बाय करेंगे? हम ना सीरियसली पक गया हूं मैं इसे। ओह माय गॉड, संभालो। Are you okay? अरे क्या हुआ? देख के चलो, ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? Oh God, look at this. चंदन, पापा कहीं भी कुछ भी रख देता है, काम चोर कहीं का। देखो ना कितनी चोट आई। ये आया कहाँ से? ये तो यहाँ था ही नहीं। ये दुकान
ढूंढ रही हो बेटा? मम्मा, आज सुबह मैंने यहाँ कबर्ड में एक टेडी बेयर देखा था, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। होगा यही कहीं पर। अरे पर आप इस समय कहाँ जा रहे हो? नाना जी के पास जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। मम्मा आप थक गई होंगी ना, नाना जी के पास मैं चली जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारे नाना जी को इस हालत में छोड़कर मुझे नींद कैसे आ सकती है? मैं चली जाऊंगी। पर मम्मा ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगे ना। नहीं पड़ेगी तुम्हारी मम्मा बीमार, प्रॉमिस। मेरा अच्छा बच्चा। दरवाजा खुला कैसे? मैंने तो कबर्ड बंद किया था पर फिर शायद करना भूल गई होगी। कौन है? कौन है? शायद मम्मा ठीक ही कह रही थी, मुझे सचमुच आराम करना चाहिए। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो ऑफ कोर्स आई लव यू। तुम रोना बंद करोगी तभी तो मैं यहां से निकल सकता हूं। गुड गर्ल, आता हूं। आई लव यू टू स्वीटहार्ट। देखो ना, मेरे पैर के नेल्स टूट गए हैं, एक अच्छा पेडिक्योर कराना है, लेकिन यहाँ आके फंसे हुए हैं। डिस्गस्टिंग।
कमऑन स्वीटहार्ट, कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ ही दिनों में तुम्हारा अपना होटल होगा, अपना स्पा होगा, अपनी जैकूजी होगी, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सुनो, मुंबई में एक अर्जेंट मीटिंग है, जाना होगा, दो चार दिनों में लौट आऊंगा। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रही हो? अरे अर्जेंट काम है, सुबह सुबह मीटिंग है, इसलिए अभी जा रहा हूं, दो चार दिनों में लौट आऊंगा। तुम्हारी सारी मीटिंग्स के बारे में मैं सब जानती हूं, समझे? मुझे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था तुम संभल जाओगे, मगर ऐसा नहीं हुआ, और ये झूठे बहाने बनाना बंद कर दो, समझे तुम? और एक बात, अगर आज तुम यहां से गए तो ये सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम पर करवा लूंगी। अगर तुम्हारा बाप साइन नहीं कर सका तो मैं अंगूठा लगवा लूंगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरी होगी, सिर्फ मेरी। औरतें भी परेशान करके रहती हैं। एक ये है जो इतनी रात को रो धोकर मुझे शहर वापस बुलाती है, दूसरी मेरी बीवी है जो मुझे धमकी देती है, और तीसरी मेरी होली विधवा बहन। लेकिन इन तीनों में से किसी ने कोई गड़बड़ की और वो घर मुझे नहीं मिला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको। होटल मेरा सपना है, और मेरे सपने और मेरे बीच मैं किसी को आने नहीं दूंगा। ये तो मेरी आवाज है, लेकिन मैं ये कंसाइनमेंट फैक्ट्री से रिलीज नहीं होने दूंगा, और अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, तो मुझे मजबूरन पुलिस को बताना पड़ेगा। कोई भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? शायद मुझे चढ़ गई है।
तुमसे जैसा कह रही हूँ वैसा करो प्रकाश, वकील हो, वकील का काम करो, समझे? प्रॉपर्टी के पेपर्स में से शांतनु कुमार का नाम हटा दो और उसकी जगह निखिला कुमार कर दो। अरे वो बोलने की हालत में कहाँ है, और शांतनु को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? उसके ऐसे ऐसे राज मैं जानती हूँ जो अगर सामने आ गए तो वो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा। इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, और हाँ शाम तक पेपर्स मुझे मिल जाने चाहिए, समझे? अम्मा, आप ये पापा के कौन सी राज की बात कर रहे थे? अरे कुछ भी नहीं, और तुम्हें इन सब बातों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? माँ मुझे लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। बताओ ना माँ क्या बात है, आप ये घर अपने नाम क्यों करवाना चाहती हैं? ये तो पापा के नाम जाएगा ना, और भला दादा इसे आपके नाम क्यों करें? और माँ ये पापा अचानक कहाँ चले गए? मैं अभी फोन करके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पापा को फोन मत करो, दरअसल तुम्हारे पापा का अफेयर चल रहा है और वो उसी लड़की से मिलने गए हैं। क्या? इन्हीं सब बातों का तो बदला लेना चाहती हूँ मैं तुम्हारे पापा से। मॉम पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप तो धोखा कैसे दे सकते हैं पापा? मॉम मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? अरे तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। उनकी इस गलती को उनकी भूल समझ के हमें माफ करना होगा। अच्छा तुम जाकर देखो दादाजी क्या कर रहे हैं। हमें वो पेपर्स आज दादाजी से साइन कराने हैं, समझ रहे हो ना तुम? मम्मी बूढ़ा पता नहीं कब हमें छोड़ के जाएगा, परेशान करके रख दिया इसने। शांतनु तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल तुम ही पर गया है, गुस्से में तो ये किसी की जान भी ले सकता है। चंद्र जाकर मेरे लिए जूस लेकर आओ। सुना नहीं तुमने क्या? जाकर जूस लाओ। चंद्र काका अब जाइए, नाना जी के पास मैं हूं ना, और वैसे भी नाना जी अभी आराम करेंगे, तो आप रोहन के लिए जूस बना लाइए। ठीक है बेटी। नाना जी अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और थोड़ी देर आराम कीजिए। देखो ना रोहन, नाना जी की तबीयत पहले से कितनी अच्छी हो गई है ना? सुनिधि क्या ये सब ड्रामा? आई मीन तुम्हें और तुम्हारी माँ को दूसरा कोई काम नहीं है क्या? मक्खी की तरह भिन्न भिना रही हो तुम दोनों। अरे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम चाहे जितना मर्जी मक्खन लगा लो कुछ हाथ नहीं लगने वाला तुम्हारे। ये सारी की सारी जायदाद हमारे नाम होगी, मेरी माँ के नाम। क्या कह रहे हो रोहन तुम? मुझे और मेरी मम्मी को नाना जी की जायदाद नहीं चाहिए। हम दोनों इतना कमा सकते हैं कि खुद को पाल सके। हम तो सिर्फ नाना जी से प्यार करते हैं, और तुम ठीक है नाना जी, मैं यहीं रुक जाती हूँ। ये सुनिधि समझती क्या अपने आपको? भाव दिखाती है, वो भी मुझे। एक बार पापा को आने दो,
पांच मिनट के अंदर अगर मैंने घर से नहीं निकला ना तो मेरा नाम भी रोहन नहीं। हम इस घर को हड़पना चाहते हैं। उसको ऐसा कहने का कोई हक नहीं। ये घर जितना तुम्हारे मामा का है उतना ही मेरा भी है। और ये किसके नाम पर होगा इसका फैसला पापा खुद ही करेंगे। अब इस घर में रहना चाहती हूँ मां, जिस घर में पापा। बस बस बेटा, पुरानी बातों को याद करके अपना दिल मत दुखाओ। और इस घर में हमारी अच्छी यादें भी तो हैं, उन्हें याद करो। मामा, लाला जी, पापा, पापा, लाला जी, पापा। पापा, पापा प्लीज जान दो जाइए, मैं यही हूँ आपके पास, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पापा, प्रॉपर्टी के पेपर्स आ गए। अब ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। बस बुड्ढे से इन पेपर्स पे साइन कराना बाकी है। सुमित, सुमित, रोहन कहाँ है? रोहन कुछ बोल के गया है? तुमसे बात कर रही हूँ। मिस करवा दिया ना माँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे, यही कहीं होगा। तो जाओ जाकर बुला के लाओ, बोलो माँ को काम है। मॉम प्लीज, लास्ट स्टेज पे हो, उसे फोन करके बुला लो ना। गेम गेम गेम, किसी दिन गेम ही फेंक दूंगी। बिल्कुल अपने बाप पर क्या है, जब काम पड़ता है
तो कोई भी नहीं मिलता। अगर बुढ़ा साइन नहीं कर सका तो स्टैंप पैड ले लेती हूँ, अंगूठा तो दे ही देगा ना। आंखों के सामने बुआ, कौन है ये? क्यों है हमारे फैमिली फोटोज में? ये तो मेरा बेटा है। बेटा? ये कैसे मार सकता है? ये तो 13 साल पहले मर चुका है। ये ऐसा हो नहीं सकता, मैंने अभी अभी इसे देखा है। किसी ने मारा मेरी माँ को, इसने मेरी माँ को मारा है। ये नहीं मार सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता। पापा कुछ कह रहे, कुछ बता रहे, देखो क्या चाहिए। नहीं पापा। नन्ना जी क्या? दादाजी ये फाइल, दादाजी ये वाला। हाँ हाँ यही वो डायरी है, 1997। ये तो नन्ना जी की डायरी है, 13 साल पुरानी डायरी। माँ 1997 की डायरी। ये तो वही साल है जब तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई मारे गए थे। सुनी थी 12 नवंबर, 12 नवंबर।
1997। आज के दिन जो भी कुछ हुआ उसे मैं अपने अंदर नहीं छुपा सकता और न ही किसी को बता सकता, इसीलिए यहाँ लिख रहा हूँ। नहीं शांतनु, मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगा। अरे ये जानते हुए भी कि सारी दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी है, मैं उन्हें मार्केट में रिलीज नहीं करने दे सकता। अरे उससे लाखों लोगों की जान जा सकती है, ये जानते हुए भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बड़े अमीरजादे हो तुम, हाँ? अरे तुम जानते भी हो अगर ये दवाइयाँ मैंने मार्केट में रिलीज नहीं की तो कितने पैसों का नुकसान होगा? वो चाहे जो भी हो, लेकिन मैं ये कंसाइनमेंट फैक्ट्री से रिलीज नहीं होने दूंगा। और अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं तो क्या कर लोगे तुम? हाँ तो मुझे मजबूरन पुलिस को बताना पड़ेगा। पुलिस को बताओगे? मुझे धमकी दे रहे हो तुम? एक बात समझ लो, मैं बोटी डालता हूं ना तब तुम खाना खाते हो। हमारे लिए काम करने वाले नौकर हो तुम, समझे नौकर? तुम्हारी फैक्ट्री में काम करता हूं मैं, अपनी मेहनत का खाता हूं, मेहनत का नौकर नहीं हूं तुम्हारा। नौकर नहीं है, मेरी बहन को फुसला कर शादी की तुमने, और अब बहस कर रहे हो मेरे साथ? ये दो कौड़े के आदमी, तू जानता नहीं मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं, समझे? जानता नहीं है मुझे तो। ये क्या हो रहा है, इतनी रात को तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? पापा आप बीच में मत बोलिए प्लीज। सुबह बात हो सकती है, आप लोग जाकर सो जाओ। आप सो जाइए प्लीज। अरे पर जाइए। आखिरी बार तुम्हें पूछ रहा हूं, मेरे काम में अपनी टांग अड़ाना बंद करेगा या नहीं? तुम्हारी धमकियों से चुप बैठने वाला नहीं हूं मैं। जो गलत है वो गलत है, और मैं गलत का साथ कभी नहीं दे सकता, और ना ही तुमको उसका साथ देने दूंगा मैं। तू मेरी बात नहीं मानेगा? हरगिज नहीं। तू मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं। बात नहीं मानेगा तू? हाँ पापा! शांतनु ने मेरे दामाद और खून जैसे पोते की जान ले ली, अब मैं क्या करूं? आवाज उठाऊंगा तो अपने बेटे को भी खो दूंगा, मुझे चुप रहना होगा, इसे राज ही रखना होगा। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। काका आप यहाँ अकेले क्या करेंगे? आप भी चलिए हमारे साथ। वैसे भी इस घर ने सबको खा लिया, मेरा अपना बेटा आत्मा बन के उसकी जान ले रहा है। नहीं बेटे ऐसे मत कहो, तुम्हारा बच्चा मौत की दुनिया से वापस सिर्फ तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए आया था। लालच आदमी को खाई जाती है, बुराई हमेशा के लिए नहीं छिप सकती। और बेटिया आज से आप ही मालकिन है, साहब की पूरी जायदाद इज्जत के साथ आपकी हुई है, आप अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिए काका, चलती हूँ।
मेरा बेटा एक बार भी मेरी आंखों के सामने नहीं आया। काश उसे आखिरी बार जी भर के देख लेती। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।